सोलन के 74 वर्षीय सुंदरलाल मेहता मेहनतकश प्रगतिशील किसान हैं। वो हमेशा कुछ नया करने की कोशिश में लगे रहते हैं। पीछे किसान मेले में उन्होंने अपने खेत में 3 किलो की मूली सहित काला जीरा उगाकर सभी को हैरत में डाल दिया था। इस बार उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में उगने वाली बड़ी इलायची के पौधे को प्रदर्शनी में लेकर आए। इसमें हैरानी वाली बात यह है कि पौधा पहली बार हिमाचल में किसी किसान ने अपने खेत में उगाया है। हिमाचल की जलवायु इस पौधे के अनुरूप नहीं है, लेकिन सुंदरलाल मेहता ने विशेष तकनीक को खुद ही विकसित कर इसे हिमाचल में उगाने में सफलता हासिल की है। इस मौके पर सुंदरलाल मेहता ने कहा कि हिमाचल का किसान दिन रात मेहनत कर कृषि क्षेत्र में नई नई सफलताएं हासिल कर रहा है, लेकिन सरकार उन्हें प्रोत्साहन के रूप में महज 250 रुपए का इनाम देकर इतिश्री कर देती है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट प्लेयर्स को सफलता हासिल करने पर करोड़ों रुपए मिलते हैं, लेकिन जो क्रिकेट प्लेयर और देश को अन्न प्रदान कर हस्तपुष्ट बनाता है उसे अन्नदाता भी कहा जाता है, लेकिन उसे सफलता हासिल करने पर इनाम पर उसका उपहास उड़ाया जाता है। उन्होंने कहा कि वह 250 रुपए की इस इनाम राशि को लेने के हक में नहीं है, लेकिन उन्हें यह जबरन थमाई गई है। किसान जो है इस देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान का कोई समाज में अस्तित्व नहीं है। किसान जो है अगर अपने खेत में शतक लगाता है, अगर कोई क्रिकेट का खिलाड़ी शतक लगाता है उसको करोड़ों रुपए इनाम दिया जाता है, लेकिन जो अन्नदाता है किसान उस देश को भूख मिटाता है, किसान को कुछ इनाम नहीं मिलता है। सिर्फ मुझे 250 रुपए इनाम मिला है जब मैंने यहाँ पर जो है काला जीरा पैदा किया, सोलन में प्रदर्शनी में रखा। मैंने पैसे नहीं लेने थे, लेकिन जबरदस्ती 250 रुपए मुझे दिया गया। तो किसान को करोड़ों रुपए दिया जाए, उसको जो है इस देश का ये रीढ़ की हड्डी है उसका, जैसे क्रिकेट का खिलाड़ी है उसको इनाम दिया जाता है, तो क्रिकेट के खिलाड़ी की भूख भी किसान मिटाता है, उसको किसान को इनाम दिया जाए। यही मेरा निवेदन है सरकार से।